Hello everyone, welcome back to channel and I am hoping that you are preparing well for CAT. आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज जो मेथड हम आज सीखने वाले हैं उस मेथड की हेल्प से जो सेट थ्योरी का एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है उसको हम लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे, स्पेशली जो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है। बट इसमें एक कंडीशन है, ठीक है? वो कंडीशन क्या है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन को हम लोग कीप इन माइंड रखना है बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके? और एक और इंफॉर्मेशन, जो आज हम मेथड सीखने वाले हैं इस मेथड पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी CAT 22 में आ चुका है, स्लॉट 1, जो कि मेरा स्लॉट था, ठीक है? और मतलब एक मैं इमोशनल कनेक्शन बताऊं इस क्वेश्चन से मेरा, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे 99.48 फेच किया था QA में ओवरऑल, ओके? मतलब इसके पीछे एक स्टोरी समझ लो है कि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट के 1 मिनट में किया था, 1 और 2 मिनट समथिंग बचा हुआ था, तब मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया था, ओके? सो इसमें नहीं पढ़ते हैं मेरा स्टोरी क्या है क्या नहीं है, मेथड को सीखेंगे और समझेंगे, और जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कैट में मॉक में हम उसको लेस देन 1 मिनट में नेल करेंगे, ठीक है? चलो सेशन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नया हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं भी किए हो, अगर चैनल पे हो पुराने देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल माय फ्रेंड। चलो आज का जो मेथड है वो किस क्वेश्चन के लिए वैलिड है पहले वो क्वेश्चन को समझते हैं। लेट्स, ये मेरा एक यूनिवर्स हो गया, ठीक है? आई एम होपिंग यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक ऑफ सेट थ्योरी, ओके? और दो सेट का मैं सेट ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा हो गया नल सेट, ये हो गया टोटल मतलब यूनिवर्सल, और लेट सपोज कि ये मेरा सेट है, ये वाइन पीने वाले के लिए है और ये जो है वो बियर पीने वाले के लिए, ऑल्दो मैं कुछ पीता नहीं हूं बट एग्जांपल के लिए, ठीक है? तो लेट सपोज कि टोटल जो टोटल सेट है वो 120 का है और वाइन पीने वाले 80 हैं और बियर पीने वाले 60 हैं। और क्वेश्चन क्या है इसमें, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम ऑफ एग्जैक्टली टू, मिनिमम ऑफ एग्जैक्टली टू मतलब ये जो सेट है इसका हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो रीजन है इसका हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड, ओके? ये एग्जैक्टली टू हो गया, सो मिनिमम वैल्यू हमको इसको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन होता है और इसी का शॉर्टकट अप्रोच होता है जो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर इस टाइप का ही क्वेश्चन आए तो इसी में हम ये शॉर्टकट अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, ओके? अब देखो कंडीशन क्या होता है उसको हमको कीप इन माइंड रखना है, तो कंडीशन को समझते हैं। सो कंडीशन ये होता है कि जो नल है, नल या नन वो गिवन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये नल का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ओके? मतलब दिया ही ना हो कि हाँ नल और नन कुछ भी वैल्यू है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 जो भी है, मतलब पॉसिबल, ओके? सेट के हिसाब से तो ये गिवन नहीं होना चाहिए, ओके? यही एक कंडीशन है, इसको हमको कीप इन माइंड रखना है कि हाँ अगर कभी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला और नन का वैल्यू दिया ही नहीं है देन हम ये शॉर्टकट अप्रोच को अप्लाई करेंगे, ओके? आई होप अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और जो कैट 22 में क्वेश्चन आया है उसको हम वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे, सो स्टिक विद द वीडियो टिल द एंड, ओके? तो चलो अब मेथड को समझते हैं कि इसका मेथड क्या है, ठीक है? जो मेथड है सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन का है, ओके? सो मेथड क्या होता है कि जो सेट का वैल्यू होता है, जैसे ये वाइन का पूरा सेट का वैल्यू है और बियर का सेट का जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, ओके? इसको हमने ऐड किया, कितना हुआ ये 140 हो गया। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे कि जो टोटल वैल्यू है, टोटल सेट का वैल्यू है, यूनिवर्स का वैल्यू, उससे ये जो एडिशन करके वैल्यू आया, मतलब सेट वाइन का सेट का वैल्यू और बियर का वैल्यू, उससे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 140 माइनस 120 इक्वल टू 20,
बस यही मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया टू का, मतलब इस रीजन का मिनिमम वैल्यू टू का मिनिमम वैल्यू टू हो गया जब नल का वैल्यू गिवन ना हो। ओके ये जीरो नहीं, मतलब नल का वैल्यू गिवन ना हो। अगर जीरो दे दिया मतलब तो वो तो गिवन है, नल का वैल्यू गिवन ना हो तब ये मिनिमम वैल्यू हो गया 20। बस यही मेथड है। ठीक है एक और एग्जाम्पल समझते हैं, फिर तीन सेट का भी हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि जैसे ये दो का हो गया, ये मेरा टोटल हो गया यूनिवर्स टोटल, इसको टू, ये टोटल लेट्स सपोज 200 और ये ए है ये बी है, ये सब लेट्स सपोज की 90 है और ये 20 है एंड वी हैव टू फाइंड मिनिमम ऑफ टू, मतलब दिस रीजन का मिनिमम वैल्यू, और ये नल सेट है और जो कि दिया नहीं है। सिंपल क्या है, 90 प्लस 70 -200, मतलब 97160 -200, नहीं ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसे लेट्स सपोज कि 150 ले लिया तो ये मेरा हो गया 150 ना, ये हो गया 150। मतलब तो मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मिस्टेक हो जाएगा, राइट, नो नीड टू वरी। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम सिनारियो में आपको मतलब ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जो नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है तो यहाँ पे 10, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 10। ठीक है चलो अब एक तीन सेट वाला देखते हैं, तीन सेट क्या हो सकता है। तो ये मेरा हो गया टोटल यूनिवर्स, ठीक है ये हम क्या ले लें, लेट सपोज ये मेरा वाइन हो गया, ये बियर हो गया और ये हो गया जूस, मतलब मेरे लिए। ठीक है टोटल यूनिवर्स सेट कितना ले लें, लेट सपोज कि ये टोटल यूनिवर्स सेट 100 है, वाइन पीने वाले कितना ले लें 80, बियर वाले 70 और हॉकी वाले 60 ले लेते हैं। ठीक है बियर 70, जूस 60, वाइन 80 और ये हो गया नॉन, जो कि हमको नहीं गिवेन, मतलब जो मेरा कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जो नल का वैल्यू है वो हमको गिवेन नहीं है और वी हैव टू फाइंड मिनिमम ऑफ क्या, जो वाइन भी पी रहे हैं, बियर भी पी रहे हैं और जूस भी पी रहे हैं, मतलब तीनों पी रहे हैं जो इस ये रीजन में। ठीक है सो इसका हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है इसका मेथड क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है समझते हैं। जैसे ये तीन सेट है, इसमें इसमें से तीन में से दो को कोई पिक कर लेते हैं, लेट्स ये 80 और 60 को पिक किया, दो किसी को पिक करेंगे, 80 60 पिक किया और इसको हम ऐड करते हैं तो 80 प्लस 60 140। ओके और जो मेरा टोटल वैल्यू होता है सेट का यूनिवर्सल वैल्यू, उससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो -100 इक्वल टू 40, 40 आ गया। अब ये जो वैल्यू 40 आया और एक जो रिमेनिंग सेट बचा था, मतलब जो बियर का सेट, उसमें उस वैल्यू से इस 40 को हम लोग ऐड करेंगे, तो 40 प्लस 70 दैट इज 110। ओके 110 हो गया। अब ये 11 जो जीरो आया, इसमें फिर हम लोग जो टोटल वैल्यू है, मतलब ये जो 100 वैल्यू है, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, -100 इक्वल टू 10। सो ये जो मेरा रीजन का वैल्यू आया, मतलब जो वाइन भी पी रहे हैं, बियर भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, इसका वैल्यू आ गया ना 10। ठीक है क्लियर है आपको, कुछ नहीं है, जो सेट टू टाइप का था वैसे ही सेट थ्री का है, बस आपको एक बार में किसी दो को पिक करना है। अगर लेट सपोज कि आपने इसको इसको पिक किया तब भी आंसर सेम ही आने वाला है, जैसे 87 150, 150 -100 सो 50, 50 प्लस 60 110, 110 -100 डेट इज 10। आप किसी को भी पिक कर सकते हो, 70 60, इसको भी पिक कर सकते हो, इसको भी पिक कर सकते हो, इसको भी पिक कर सकते हो आप, मतलब 3C2 जो भी पॉसिबिलिटी बन रहा है आप उसको पिक कर लो, जो वैल्यू है आंसर है वो सेम आने वाला है। ओके आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा थ्री सेट का भी।
कंडीशन ध्यान में रखना, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नल का वैल्यू नन का वैल्यू या नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इस अप्रोच को लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर नल का वैल्यू जीरो हो गया, ये अप्रोच नहीं चलेगा, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, चलो लास्ट अब हम लोग क्या समझेंगे, सीखेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे जो 2022 में आया था क्वेश्चन, उसको उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ठीक है, रीड कर लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 73 लाइक कॉफी, 80 लाइक टी, 52 लाइक लेमोनाडे, जो भी, इट मे बी पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी ऑफ दिस ड्रिंक। मतलब इट मे बी पॉसिबल, मतलब नन का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब लाइक कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट कुछ तीनों ड्रिंक को नहीं लाइक कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो कि मतलब सारे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो ड्रिंक को लाइक नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन में ना हो गया जो कि हमने डिस्कस किया था पहले। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द थ्री ड्रिंक, देखा सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसको हम एक इसमें सेट थ्योरी के इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मेरा थ्योरी का हो गया, ये मेरा टोटल हो गया, ये मेरा हो गया कॉफी टी, और ये हो गया एल। कॉफी टोटल कितना है 100, कॉफी वाले कितने हैं 73, टी वाले कितने हैं 80, और लेमोनाडे वाले कितने हैं 52, और ये जो एन का वैल्यू है हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हमको बताना है क्या, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो तीनों सेट में मैक्सिमम वैल्यू होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होता है। यहाँ पे मैं 52 तो रख ही सकता हूँ, 52 यहाँ पे रख दिया, ये 0 0 0 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 52 होगा, बहुत बेसिक है ये। अब अगर आपने सेट थ्योरी किया है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने जो मेथड सीखा था वो मिनिमम के लिए, सो मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, कौन सा ले, ये ले या ये और ये, जो भी मन करे वो ले सकते हो। मैं 73 प्लस 80 वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना होगा 3 8 7 15, 153 माइनस कितना 100, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 53, फिर हम जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको ऐड करेंगे, सो 73 80 ले लिया, बचा 52 प्लस 52 दैट इज 104, तो सब ये 3 हो गया ना 53, सो 105 मतलब 105 माइनस कितना 100, तो ये हो गया मेरा 5, मतलब मिनिमम वैल्यू जो हुआ है हु लाइक ऑल द थ्री रिंग, मतलब इस रीजन का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 5, एंड वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू कितना था 52, ये वाला मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू -5 दैट इज 47, दैट इज ऑप्शन सी। सो देखा, अब ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना ड्रॉ किया, अदरवाइज जो मैंने वहां एग्जाम सिनेरियो में लगाया था, मैंने सिंपल ये क्वेश्चन रीड किया, मुझे पता चल गया कि हाँ शॉर्टकट पे बेस्ट है, मैंने सिंपल ऐसे किया था 73 प्लस 80, इसको तो हम मैनुअली मतलब माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ इसे 153 माइनस 100 53 प्लस 52 कितना हो गया 105 माइनस 100, सो 5 ये हो गया, 52 ये हो गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट 47 मार्क किया, आगे बढ़ा, तो ये लेस देन वन में 1 मिनट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, अगर आपको शॉर्टकट मालूम है तो। सो क्लास एंड करते हैं यहाँ पे गाइस, अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो, अगर कुछ लगा हो कि सीखे हैं एक्चुअल में, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कुछ मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स मेथड मेथड के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।